उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपेरेशन करना है, ठीक है। तो यू मस्ट हैव दिस बुक, आप लोगों के पास बुक होगा, ठीक है। तो जिन लोगों के पास ये बुक है, इस बुक को देखो, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी यहाँ पे प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। जो जो कैसे पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे कंप्लीटली आपको जो है इजीली कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो बुक अपने साथ रखो, ठीक है। यस, यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियो, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप में जैसे हर एक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, इस क्लास का भी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ईच एंड एवरी क्लास will be recorded and you will get the recorded video. Okay. Okay. So, देखो, first अगर आप RIC का official syllabus देखोगे, ठीक है, I hope सब लोगों ने देखा होगा, तो first chapter आपका है attitude towards education, and ये आप कहाँ से देख सकते हो? Official syllabus जो है आप RIC के official website से देख सकते हो, and जैसे इस book में, ठीक है, ये बुक आप लोगों के पास डेफिनेटली होगा, इस बुक में जो है फर्स्ट आपका यहाँ पे कंटेंट पेज पे जो 6 टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉपिक 1 से लेके टॉपिक 6 तक जो यहाँ पे है, ये सारे टॉपिक जो है एग्जैक्टली आरआईसी के सिलेबस में है, ठीक है। एग्जैक्टली यही तुम्हारा आरआईसी का सिलेबस है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मेनी न्यू एस्पिरेंट्स आर देयर, सो मैं दिखा देता हूँ कि सिलेबस आप लोग कैसे देख सकोगे, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। आप जो है गूगल पे RIC टाइप करोगे, ठीक है, गूगल में जैसे आप RIC टाइप करते हो, जस्ट वन मिनट, जैसे ही आप गूगल में RIC टाइप करते हो, तो RIC के ऑफिशियल वेबसाइट में नीचे आपको सिलेबस दिखाई देता है, ठीक है, नीचे आपको सिलेबस दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे CEE सिलेबस लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ऑफिशियल सिलेबस दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो एरियाज एंड सिलेबस पर RIC लिखा है फॉर 2023। यहाँ पे जैसे आप जाओगे नीचे तो पूरा डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड में 6 टॉपिक है, ठीक है, आपका कौन कौन सा टॉपिक वो है यहाँ पे देख लो, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रेन एंड टीचिंग प्रोफेशन। मतलब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कैसे प्रिपेरेशन करना है टीचिंग एप्टीट्यूड को, ठीक है। सबसे पहला चीज, दे विल आस्क योर एटीट्यूड, ओके, दैट यू आर ए पर्सन हु इज हैविंग एटीट्यूड लाइक ए टीचर और नॉट, ठीक है। RIC के एग्जाम में आपका एटीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि आप एक टीचर बनने लायक हो कि नहीं, आपके अंदर एक टीचर लाइक एटीट्यूड है कि नहीं, वो चीज सबसे पहले जो है एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या टेस्ट किया जाएगा, आपका एटीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, आपके अंदर टीचर बनने लायक एटीट्यूड है कि नहीं वो टेस्ट किया जाएगा। तो हमको क्या समझना पड़ेगा, पहला चीज हमको समझना पड़ेगा कि एटीट्यूड है क्या, ठीक है, हमको समझना पड़ेगा कि एटीट्यूड है क्या, एटीट्यूड है क्या है पहले वो समझ जाओगे, देन आपको समझना पड़ेगा कि टीचिंग एटीट्यूड क्या है, ठीक है, एक टीचर के लिए टीचिंग एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है, एक टीचर के लिए कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, ठीक है, क्लियर, एक टीचर के लिए कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए वो समझना पड़ेगा, ठीक है। एटीट्यूड जैसे आप समझ जाते हो, ठीक है, आप एटीट्यूड वंस एटीट्यूड समझने के बाद फिर आपको समझना पड़ेगा कि एक 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 टीचर का, ठीक है, एक टीचर का अपने स्टूडेंट्स के प्रति कैसा एटीट्यूड होगा, यहाँ पे लिखा है सिलेबस में, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, देखो, एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रेन, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रेन, देखो यहाँ पे आपके सिलेबस में लिखा है एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम के प्रति कैसा एटीट्यूड है, ठीक है, तो इसमें आपका पूछा जाएगा, जैसे कि आप बुक अगर आपके सामने है तो आप देख सकते हो कि जो पहला जो टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो अगर आप देखोगे एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन में क्या क्या आता है, आप ये समझ जाओगे पहले कि एटीट्यूड क्या है, ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको एटीट्यूड क्या है, टीचिंग एटीट्यूड क्या है, लेकिन पहले मैं समझाता हूँ कि सिलेबस क्या क्या आपसे डिमांड करता है, आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए एज ए टीचर, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, या फिर RIC या फिर कोई टीचिंग एग्जाम आपको
क्या डिमांड करते हैं आपसे, पहले आपको ये चीज समझना होगा। देखो मैंने जस्ट 2-3 दिन पहले, मैं तो देखो मैं कंप्लीट फोकस करता हूँ आरआईसी फिर सीयूईटी, मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर अगर देखोगे तो, क्योंकि मैं खुद एक आरआई पास आउट स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं पहले प्रेफर करता हूँ कैसे बच्चों को आरआई में एडमिशन दिलाऊं, उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रेफरेंस रहता है सीयूईटी, फिर उसके बाद जो स्टेट बीएड पे आते हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, जो कि झारखंड स्टेट बीएड के लिए अप्लाई कर रहा था, ठीक है, उसने झारखंड स्टेट बीएड के लिए अप्लाई किया है एंड उसने मुझे बोला कि सर आपका वीडियोस मैंने देखा, कुछ कुछ टॉपिक उसमें है, तो मैं कहाँ से वो कंटेंट मुझे मिल सकता है, बुक्स कौन सा मुझे पढ़ना चाहिए। तो उसने सिलेबस मुझे भेजा, एग्जैक्टली यही सिलेबस पूरा है, ठीक है, मैंने पूरा सिलेबस को अच्छे से देखा, ये तीनों जो टॉपिक है पूरा, स्पेशली अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को देखोगे, एग्जैक्टली 6 टॉपिक जो आरआईसी के अंदर है वही 6 टॉपिक झारखंड स्टेट बीएड के अंदर भी है। एंड सिमिलरली अगर आप ओडिशा बीएड का बात करोगे तो लगभग, नॉट एग्जैक्टली सेम, ओडिशा बीएड के केस में भी आपका लगभग जो है सेम चीज होता है। एंड ये सब चीज आगे जाके आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा सीयूईटी में, थोड़ा सा क्या है सीयूईटी में इंटीग्रेटेड के केस में कुछ कुछ और पोर्शंस ऐड किए हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर आता है, एंड जो सीयूईटी 2 ईयर बीएड है उसमें भी यही सिलेबस आपका काम में आएगा, ठीक है, यही सिलेबस। एंड उसके बाद आपका आगे जाके भोपाल और अजमेर जैसे जैसे अभी फॉर एग्जांपल आईटीपी के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो मैंने इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीयूईटी स्टेट बीएड आईटीपी, ठीक है, आईटीपी एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये जो पोर्सन है जो आरआई फॉलो करता है वो पोर्सन को हर जगह पे, इवन मैंने खुद, आपको पता होगा मैंने भेजा था, ठीक है, मैंने खुद केवीएस क्रैक किया हुआ है, ठीक है, तो केवीएस के एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनबीएस का एग्जाम मैंने कभी दिया नहीं है क्योंकि एनबीएस में मुझे मतलब जॉब नहीं करना था, क्योंकि मुझे लाइक ऑनलाइन पढ़ाने का वहाँ पे इतना स्कोप नहीं मिल पाता, तो मैंने जेएनबी ज्वाइन नहीं करने का सोचा। एनबीएस एग्जाम मैंने नहीं दिया, देना चाहिए था, मैंने फॉर्म तो डाला था एनबीएस का, बट जो है मैंने एनबीएस में जो वो एग्जाम था वो कुछ रीजन की वजह से मैं नहीं दे पाया एंड इंटरेस्ट भी नहीं था। उसके बाद मैंने DSSS भी दिया, ठीक है, DSSS में भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मुझे देखने के लिए मिले, ठीक है, OABS प्रेजेंटली जहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। इस तरह से जितने भी एग्जाम्स हैं ये सारे एग्जाम्स में मेरे एक्सपीरियंस के वजह से मैं जो है यहाँ पे मतलब ये बुक को उसी हिसाब से बनाया हूँ, ठीक है, क्लियर। उसके साथ साथ मैंने UGC NET JRF एंड गेट एग्जाम जब मैंने वो एग्जाम भी दिया, उसको भी जब मैंने क्रैक किया, तो वहाँ से भी मुझे जो नॉलेज मिले एंड वो सब चीज़ को इनकल्केट किया गया है एंड इस कंटेंट को बनाया गया है, ठीक है, तो क्लियर है। और क्लासेस के टाइम में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्लास के टाइम में बहुत सारे और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो देखो झारखंड स्टेट बीएड का एग्जाम होने वाला है 13 मई को, ठीक है, मैं देखो उतना मतलब टाइम नहीं दे पाया कि हर एक स्टेट को मैं ट्रैक करूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर से मैं प्रोग्राम करूंगा कि झारखंड या फिर जितने भी स्टेट बीएड हो रहे हैं उसको भी हम लोग कैसे उसका फॉर्म फिलअप वगैरह है ये सब, क्योंकि सेम चीज़ है, बस उतना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी क्या है मतलब थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है सब कुछ संभालने में, तो मैं सिर्फ आरआई सीयूईटी आईटीपी ये सब चीज़ को मैं टाइम दे पाता हूँ। स्टेट बीएड के प्रति मतलब थोड़ा सा वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, उसके लिए भी हम मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलो आरआई की तरफ हम लोग आते हैं। तो आपको कोई भी टीचिंग एग्जाम, झारखंड स्टेट बीएड हो, किसी भी स्टेट का बीएड हो, केवीएस एनबीएस, नॉर्मली आप किसी भी टीचिंग जॉब में जब जाना चाहते हो, ठीक है, किसी भी टीचिंग जॉब में, किसी भी टीचिंग एंट्रेंस में या बीएड करने के लिए, भले वो इंटीग्रेटेड बीएड हो, 2 ईयर बीएड हो, 6 साल का जो एमएससी एड होता है एमएससी बीएड वो हो, 1 साल का बीएड जो आगे 2030 के बाद होने वाला है वो हो, कोई भी बीएड एग्जाम है मतलब वो टीचिंग से रिलेटेड है। एंड वो जब आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हो, ठीक है, तो वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहेंगे, ठीक है, जैसे आप कोई टीचिंग फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम देते हो तो वो आपसे क्या चाहेंगे, ठीक है, क्या चाहेंगे वो आपसे। देखो कोई भी आप टीचिंग जॉब का एग्जाम देते हो तो सबसे पहला चीज आपके अंदर जो है टीचिंग जॉब या फिर टीचिंग एंट्रांस, ठीक है, टीचिंग जॉब या फिर टीचिंग एंट्रांस जब आप देते हो तो याद रखना दिमाग में आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज आपके दिमाग में होना चाहिए वो है कि आपके अंदर टीचर लाइक थिंकिंग है कि नहीं, ठीक है, आपका जो टीचर लाइक थिंकिंग होना चाहिए, मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, हमारा एटीट्यूड होता है, ठीक है, हमारा एटीट्यूड होता है, ठीक है, कि आप कैसे सोचते हो, आप कैसे डिफरेंट सिचुएशन को बिहेव करते हो, ये आपसे बस टेस्ट किया जाएगा। जो एंट्रांस एग्जाम होगा वहां पे जो भी टेस्ट होगा, ठीक है,
इवन यूजीसी नेट में, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एग्जाम होता है, यूजीसी नेट इसको कहा जाता है, वहां पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पेपर होता है, वहां पे भी आपका टेस्ट किया जाता है कि आपके अंदर टीचर बनने के लिए एटीट्यूड है कि नहीं, थिंकिंग है कि नहीं। सेकेंड चीज, आपसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, मतलब आप कितने एबल हो, आप कितना जो है टीचर लाइक थिंकिंग आपके अंदर, या टीचर लाइक थिंकिंग कितना है आपके अंदर, एंड आप कितना एबल हो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, या डिफरेंट चीजों को जो है आप डील करने के लिए कितना एबल हो, वो चीज जो है आपसे टेस्ट किया जाएगा। तीसरा चीज क्या होता है, आपको यहाँ पे वेरियस सिचुएशन दिए जाएंगे, ठीक है, सिचुएशन दिए जाएंगे या फिर वेरियस प्रॉब्लम आपके सामने रखा जाएगा, एंड यहाँ पे आप कैसे इन सब चीज को डील कर पाते हो वो पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं बेसिकली इस क्लास में मैं आपका कवर कर दूंगा कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना कैसे है, ठीक है, क्लियर। तो देखो, तो ये सब चीज है कि आपको थिंकिंग, टीचर लाइक थिंकिंग आपके अंदर होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, आपका सिचुएशन एंड डिफरेंट प्रॉब्लम को कैसे डील करते हो वो सब चीज होना चाहिए, क्लियर। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आ रहा है इसी के एग्जाम में, कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ठीक है, टीचिंग एटीट्यूड क्या होता है, वो आपका सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या यहाँ पे है, देखो, एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन सिस्टम, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, एजुकेशन सिस्टम लाइक मैंने बहुत बार आपको बोला, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो होता है हाँ, स्टूडेंट सेंटर एंड आपका सोसाइटी सेंटर एजुकेशन सिस्टम होता है। तो एटीट्यूड आपका बच्चों के प्रति, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में अभी दो चीज इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सिस्टम में अभी दो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, सबसे पहला चीज है आपका कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, वो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है। एंड दूसरा देखो, ये सेंटर का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा, स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है, स्टूडेंट सेंटर में है एंड इसके चारों तरफ सब जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके अनुसार सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अनुसार सब लोग काम कर रहे हैं। तो सेंटर में कौन है, स्टूडेंट, ठीक है, इसके नीड, डिजायर, इंटरेस्ट, इन सब चीज के अकॉर्डिंग ही बाकी सारा चीज होगा, दैट इज स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम। दूसरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम का कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी का जो है नीड, ठीक है, सोसाइटी का नीड कैसा है, सोसाइटी में क्या डिमांड है, डिजायर या डिमांड क्या है सोसाइटी का, हमको उसके अकॉर्डिंग, हमको सोसाइटी का नीड, डिजायर या डिमांड के अकॉर्डिंग बच्चों को, ठीक है, बच्चों को इफेक्टिव सिटीजन बनाना पड़ेगा, ताकि वही बच्चे सोसाइटी में आके काम करेंगे, अच्छा, एक अच्छा सिटीजन बनेंगे, सोसाइटी का डेवलपमेंट में अपना हिस्सेदारी निभाएंगे, ठीक है, ये सब चीज आपका है। तो एजुकेशन सिस्टम को अगर आप समझ जाते हो, सबसे पहले आपको एजुकेशन सिस्टम समझना पड़ेगा, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जैसे आप समझ जाते हो, उसके बाद जो है आपका, आपको मतलब फिर नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम के प्रति आपका कैसा एटीट्यूड है, एंड जो है आपका आगे की चीज आपको समझने के लिए जो है, फिर आप मतलब आपका थिंकिंग उसके अकॉर्डिंग डेवलप होगा। किसी का कुछ डाउट है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम, फर्स्ट टॉपिक को समझने के लिए कोई प्रॉब्लम है, मैं समराइज कर दूंगा सिलेबस के अंदर क्या है, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, इफ एनी प्रॉब्लम, ओके, अगर कोई प्रॉब्लम तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो देखो, आपको पहले एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन में, पहले आपको एजुकेशन समझ जाओगे ना, क्या है एजुकेशन सिस्टम, प्रेजेंट डे में एजुकेशन सिस्टम क्या है, पहले वो समझोगे तभी जो है आपका एटीट्यूड उसी के हिसाब से डेवलप होगा। अगर मान के चलो हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का बात करेंगे, जहाँ पे टीचर सेंटर एजुकेशन सिस्टम वो था, मतलब टीचर जो बोलेंगे वही सही है, बच्चा चुपचाप सुनेगा, याद रखेगा, एग्जाम में उसी को जो है लिखेगा, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में था। अभी का एजुकेशन सिस्टम क्या बोलता है कि बच्चा जैसा चाहे वैसा पढ़ सकता है, एंड ये जो है अपना NEP 2020 जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही बताता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम को ही फोकस करता है। यहाँ पे बोलता है कि बच्चा चाहे साइंस ले, आर्ट्स ले, या कॉमर्स ले, या फिर सब कुछ मिक्स्ड ले, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स का कोई जो है थीम, जो हार्ड सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है, सब मिक्स्ड हो जाएंगे, बच्चे सब एक साथ डिफरेंट टॉपिक को ले सकते हैं अपने नीड एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इतना स्टूडेंट सेंटर्ड है कि ये बोलता है कि आप चाहो तो एक साल में जो है छोड़ सकते हो, चार साल का ग्रेजुएशन होने वाला है, ठीक है, आपको पता है कितना साल का ग्रेजुएशन है, चार साल का ग्रेजुएशन, फोर ईयर का जो है आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, या फोर ईयर का जो है ग्रेजुएशन होता है अभी, मतलब होगा, ठीक है,
एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग क्या होगा, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 4 साल का एजुकेशन सिस्टम होगा। यहाँ पे इतना स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम बनाया है कि आप चाहो तो 4 साल में एक साल, मतलब 4 साल में से एक साल में अगर आप छोड़ते हो ठीक है, तो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम बोला जाएगा उसको, सर्टिफिकेट प्रोग्राम बोला जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर में छोड़ते हो, 2 साल पढ़ के छोड़ते हो, तो वहां पे बोला जाएगा कि आप डिप्लोमा किए हो, ठीक है, आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर थर्ड ईयर में आप छोड़ते हो ठीक है, तो आपको मिलेगा डिग्री मिलेगा, ठीक है, और फोर्थ ईयर में आप छोड़ते हो तो वहां पे प्रोफेशनल डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री आपको मिलेगा, प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका इंजीनियरिंग टीचरशिप है, डॉक्टर है, आप फोर्थ ईयर में छोड़ते हो तो इस तरह से होता है। तो ये नॉर्मल ग्रेजुएशन है, आप तो टीचरशिप होता है या आपका जो डॉक्टर वाला होता है वहां पे तो आपको करना ही पड़ेगा, पूरा 4 साल का जो है कोर्स करना ही पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन करता है तो भी उसको 4 साल करना पड़ेगा, 1 साल में छोड़ सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में छोड़ सकता है। हाँ, एंड इसके पहले, ये 4 साल तो ग्रेजुएशन है, इसके पहले जो पहले 10+2 का सिस्टम था, अब 5+3+3+4 का सिस्टम बना दिया है, ठीक है। पहले 10 साल स्कूलिंग, 2 साल आपका कॉलेज बोलते थे, जूनियर कॉलेज बोलते थे, तो उसको बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल बोला गया। अभी क्या, बस सब स्कूल है, ठीक है। ये 5+3+3+4 वाला सिस्टम है ना, 3 साल आपका प्री स्कूल होगा, फिर क्लास 1 एंड 2, फिर क्लास 3 4 5, ठीक है, क्लास 1 2, फिर आपका क्लास 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8, और फिर यहाँ पे 4 में आपका 9 10 11 12, इस तरह का सिस्टम है। उसके बाद फिर आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम है। आप वंस एजुकेशन सिस्टम को समझ जाते हो तो फिर उसके बाद आपको एटीट्यूड क्या समझना पड़ेगा, एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन क्या समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन में हमको क्या देखना पड़ता है, एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन में हमको जो जिन जिन मतलब एजुकेशन के अंदर, या हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके अंदर जितने भी लोग, ठीक है, उसके अंदर जितने भी लोग जो है इन्वॉल्व है, उनके प्रति हमारा कैसा एटीट्यूड है वो हमको पहले देखना पड़ता है। लाइक हमारा जो है, हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं, हमारे सामने करिकुलम है, कंटेंट है, कोलिग्स है, प्रिंसिपल, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर है, एनवायरनमेंट है, डिफरेंट अपना खुद टीचर का खुद पर्सनालिटी, टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो हमारे सामने सोशल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, हमारा खुद का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है, बच्चों जो गार्डियन होते हैं बच्चों के, उन सबके साथ एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाते टाइम हम जिन जिन लोगों के साथ या जिन जिन लोगों के सामने हम कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उन सबके साथ हमारा कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, ये आपको एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन में समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन समझते हो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्या, एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रेन। और ये एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रेन में, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रेन में आपको क्या जानना है कि बच्चों के प्रति आपका कैसा एटीट्यूड होगा, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चों के प्रति तुम्हारा कैसा एटीट्यूड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट्स हमारा आएगा कि स्टूडेंट जो है क्लीन स्लेट होता है, यस, लिसन ओके, देखो इफ यू आर नॉट आस्किंग एनी डाउट देन यू कैन म्यूट योर माइक। कौन है ये, सेरॉन, हाँ ठीक है, इफ यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग यू कैन म्यूट योर माइक सो दैट वी कैन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। देखो तो आप एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन समझ गए, ठीक है, मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका समझा रहा हूँ कैसे प्रिपरेशन करना है। तो एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन अगर आप समझ गए, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रेन। और यहाँ पे देखो, पहले आपको एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रेन समझने से पहले आपको चिल्ड्रेन या स्टूडेंट के बारे में समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट होते कैसे हैं। जब कोई छोटा बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है तो उस टाइम में उसके दिमाग में क्या सब चीज होता है, या फिर उसका नेचर कैसा होता है, पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो सॉरी, तो मैं ये बोल रहा था, ठीक है, जयंत कुमार, ये हमारा जो है क्लास है तो वो चीज यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। देखो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन आप समझ गए, अब देखो एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रेन हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रेन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन, एक छोटा बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसका कैसा मतलब कैसा होता है वो बच्चा है, उसको आप कैसे पढ़ाओगे, पहले उसको समझना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं
वो एक क्लीन स्लेट के जैसा होते हैं, ठीक है। उनको उनको जो है पूरा अच्छी तरह से, ठीक है, जो एक प्रॉपर वे प्रॉपर नॉलेज उनके सामने नहीं होता, जो भी नॉलेज होता है उनके सामने वो बिखरा बिखरा नॉलेज होता है, ठीक है। एक प्रॉपर वे में जो नॉलेज उनको मिलता है वो उनको स्कूल में मिलता है। तो जैसे एक क्लीन स्लेट होता है ना, उसमें आप जो चाहो जैसे चाहो लिख सकते हो, उस तरह से एक टीचर के हाथ में इतना पावर है, ठीक है, एक टीचर के हाथ में इतना पावर है कि वो एक बच्चे के अंदर जैसे चीज चाहे भर सकते हैं। इसीलिए जब जो छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है कि वो जो है बच्चों को प्रॉपर चीजें बताएं। इसीलिए बहुत सारा स्टोरी टेलिंग होता है, ठीक है, बहुत सारा क्या होता है छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है स्टोरी, ठीक है, स्टोरी सुनाते हैं। एंड ये सब स्टोरी ना एक मोरल स्टोरी होता है, ठीक है, जिससे बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिले, समझने के लिए मिले, ठीक है। तो आप जो है बच्चों को क्लीन स्लेट है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में बच्चों को आप जो है नॉलेज देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो होते हैं इनोसेंट होते हैं एंड पायस, मतलब वो उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, एंड उनका दिमाग उनका दिल बहुत पवित्र होता है, ठीक है, उनको ये चीज नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, क्लियर। तो इसीलिए उनको उसके अकॉर्डिंग जो है हमको समझना पड़ेगा। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ना बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो नर्सरी केजी को पढ़ाते हैं ना उसको नर्सरी टीचर बोलते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वहाँ पे उनका होता है, नर्सरी टीचर बोलते हैं। तो बहुत पेशेंस चाहिए, और इस केस में ज्यादा देखना ज्यादा लेडी टीचर को रखा जाता है नर्सरी केजी में, क्योंकि एक वुमेन का जनरली थिंकिंग एक वुमेन का पेशेंस ज्यादा होता है छोटे बच्चों को संभालने के लिए। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, क्यों छोटे क्लासेस में या आपके नर्सरी केजी में या प्री स्कूल में गर्ल्स को क्यों ज्यादा रिक्रूटमेंट मिलता है। दिस इज द रीजन बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड उनके अंदर पेशेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल पर्सन, ठीक है। तो एक नॉर्मल थिंकिंग है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत इनोसेंट एंड पायस, मतलब बहुत पवित्र होते हैं, उनको सच झूठ क्या है, कौन अपना है कौन पराया है नहीं पता होता है, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे बहुत रिसेप्टिव होते हैं, ठीक है, जो भी आप नॉलेज देंगे ना वो रिसीव कर लेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत जल्दी वो रिसीव कर लेते हैं। एंड छोटे छोटे बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर मतलब वो किसी के अंदर डिपेंडेंट होकर रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो जो है इंडिपेंडेंटली जो है मतलब आप उनको बांध के नहीं रख सकते, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है क्लासरूम में, ठीक है, क्लासरूम में जितने भी बच्चे होते हैं ना वो सब बच्चे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स मान के चलो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, फैमिली बैकग्राउंड हो, या फिर आईक्यू लेवल हो, या फिर मतलब कोई और चीज हो, अलग अलग होते हैं, उनका टैलेंट होता है आईक्यू, ये सबसे भी अलग अलग होते हैं। तो बच्चे अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर क्या होता है, एंड इनको डील करने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। एक क्लास में हर एक बच्चा यूनिक है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में हर एक बच्चे को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो आपको उस हिसाब से याद करना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, प्लस क्लास में सारे बच्चे डिफरेंट नेचर के हैं, तो टीचर के सामने एक चैलेंज होता है कि 30 या 40 बच्चे जो अलग अलग नेचर के होते हैं उनको कैसे डील करें। एंड इसीलिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, एंड वहाँ पे जो सही आंसर देगा उसका टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड सही है माना जाएगा, एंड उसी को सिलेक्शन दिया जाएगा। RI एंड कोई भी एग्जाम जो होता है उसमें जब भी कोई टाई होता है ना, उस केस में टीचिंग एप्टीट्यूड को जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जिसका टीचिंग एप्टीट्यूड में हायर मार्क्स होता है उसी को RI में सीट मिलता है, ठीक है, उसी को ऊपर प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से तो टीचर वाला एग्जाम जो होता है वहाँ पे इस तरह का चीज जो है आपका देखा जाता है उनके द्वारा। फिर देखो हर एक बच्चा उसका हैंडलिंग एबिलिटी अलग अलग होता है, मतलब जो है उसका पावर जो है किसी चीज को समझने के लिए, रिटेंशन करने के लिए, इंटरेस्ट अलग अलग होता है एंड इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि मतलब एक स्टूडेंट कैसा होता है। जब आप एक स्टूडेंट कैसा है वो समझ जाओगे, ठीक है, जब आप एक स्टूडेंट कैसा है वो समझ जाओगे तब जो है आप ये चीज समझ सकते हो कि जो है उनके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। जब आप ये चीज समझ जाओगे तब आप उनका उनके प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए वो आप समझ जाओगे। तो एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया आपको, एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रन कैसे आपको मतलब इसके लिए कैसे अप्रोच करना है वो बता दिया। देखो बुक के अंदर सब कुछ है, ठीक है, बुक के अंदर एटीट्यूड क्या होता है वो है, ठीक है, एटीट्यूड एंड ओपिनियन के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी है,
एटीट्यूड और ओपिनियन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो ओपिनियन क्या होता है, नॉर्मली हम किसी भी चीज को देख के जो है ये राइट है या रॉन्ग है अपने दिमाग में थिंकिंग लाते हैं, ठीक है, दैट इज ओपिनियन, जो कि बहुत इजीली बदल सकता है। आप सोच रहे हो कि सर ए आंसर करेक्ट होना चाहिए, बी रॉन्ग होना चाहिए, मैं जब आपको एक प्रॉपर लॉजिकल आर्गुमेंट दे दूंगा फिर आप बोलोगे हाँ सर आप सही बोल रहे हो, मैं गलत था या गलत थी, तो आपका ओपिनियन चेंज हो गया बहुत जल्दी। लेकिन एटीट्यूड जो है वो जल्दी चेंज नहीं होता, एटीट्यूड एक स्टेबल कंसेप्ट या रिजिड सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे इसको आप याद करने के लिए मैं हमेशा एक ही एग्जाम्पल बोलता हूँ, थ्री इडियट वाला मूवी, ठीक है, थ्री इडियट में राजू जो है जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वहां पे बोलता है कि आप अपना जॉब रख लो मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ, दोनों टांगे तुड़वाने के बाद मेरे अंदर एटीट्यूड आया है। इसका मतलब क्या है? एटीट्यूड बहुत ज्यादा स्टेबल है, रिजिड सिस्टम होता है, इजीली चेंज नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो ये राजू वाला सीन को याद करना, एटीट्यूड आपको समझ में आ जाएगा। एंड किसी का भी एटीट्यूड बहुत इजीली नहीं बदलता, ठीक है, उसको बहुत सारा जो है मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस आने के बाद जो उसका एटीट्यूड चेंज होता है। ओपिनियन एक मिनट में चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन एटीट्यूड को ईयर्स लगते हैं चेंज करने के लिए। तो एटीट्यूड एंड ओपिनियन के बीच में डिफरेंस आपको समझना है। फिर देखो टीचिंग एटीट्यूड के अंदर आप टीचिंग एटीट्यूड क्या है वो समझना है। एंड किसी एक टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होता तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो क्या रिजल्ट होगा वो समझना पड़ेगा। अगर किसी टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसका एजुकेशन जो है मतलब वो जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो बच्चे जो है सक्सेसफुल होंगे। एंड अगर किसी टीचर का एटीट्यूड नेगेटिव होगा तो वो जिन बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, उनका रिजल्ट खराब होगा। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन को आपको इस तरह से समझना है, चिल्ड्रन को इस तरह से समझना है। अब तीसरा है तुम्हारा टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन के प्रति आपका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बहुत सारा अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक टीचर का जो टीचिंग प्रोफेशन के प्रति कैसा कितना लगाव होना चाहिए, ठीक है, आपको अपना जॉब कितना प्यारा है या फिर आप अपना जॉब को कितनी अच्छी तरह से निभाते हो, उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, मैं एटीट्यूड वाला चैप्टर आपको बताया तो कैसे पढ़ना है, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो टीचिंग प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी वाला चीज रहेगा, टीचर का खुद का ओन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसे जो है टीचर को मतलब टीचर का एक एटीट्यूड बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, या इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर आपको देखना है। सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री कैसे किसी एक टीचर को जो है उसका एटीट्यूड मतलब कैसे इम्पैक्ट डालता है वो भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। गार्डियन एंड अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी ये कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, खुद का प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कैसे इंपॉर्टेंस है, ठीक है, टीचर का एटीट्यूड डेवलपमेंट में वो देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, आप टीचिंग प्रोफेशन में जैसे जाते हो तो उसमें आप कितने कॉम्पिटेंट हो, कितना एबल हो उस काम को अच्छे से निभाने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। यानी कब से स्टार्ट होता है, जिस दिन आप आरआई या फिर किसी भी कॉलेज में, ठीक है, जिस दिन आप किसी भी कॉलेज में बीएड के लिए इंटीग्रेटेड हो, टू ईयर हो, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब बीएड आप कर रहे हो, तो फर्स्ट डे जिस दिन आप एनरोल्ड होते हो उसी दिन से आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी स्टार्ट होता है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बनते हो। मतलब मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूंगा, जिस दिन तक मैं आरआई में नहीं था तब तक मेरा लाइफ अलग था, जिस दिन मैं आरआई में एंटर किया ग्रेजुअली, देखो पहले पहले बोरिंग लगेगा थोड़ा सा आपको, ठीक है, फिर धीरे 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 करके जब आप मतलब एक्वेंटेड होते जाओगे सिस्टम के साथ फिर आपको अच्छा लगेगा, जब आपका माइक्रो टीचिंग होगा इंटर्नशिप होगा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, जब आपको मतलब ऐसे मतलब मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट होगा, सबसे पहले क्या होता है आरआई में आप मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट होता है, ठीक है, आपको बहुत अलग अलग स्कूल में जो है भेजा जाएगा जहाँ पे कल्चर अलग अलग होता है, उन बच्चों के साथ आप देखोगे डील करोगे बहुत अच्छा लगेगा। फिर माइक्रो टीचिंग तो उससे पहले होता है, आपका प्रैक्टिस टीचिंग होता है, फिर इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप में आपको पूरा एक रियल लाइफ टीचर के जैसा काम करना होता है, ठीक है, प्रैक्टिस टीचिंग है वो, एक स्कूल में जाके आप पूरा पढ़ाओगे 3-4 महीने आरआई से जाके, जेएनवी में होता है इंटर्नशिप, ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा लाइफ का एक तरह से चेंजिंग मतलब मोमेंट था एक जेएनवी में जाके पढ़ाना, ठीक है, मतलब एक अपना थिंकिंग ही बदल जाता है जब बच्चे आपको इतना रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और खासियत क्या है आरआई या किसी भी बीएड कॉलेज का, मैं तो सिर्फ आरआई से हूँ तो मुझे आरआई का ज़्यादा पता होता है, लेकिन मैं मेरे मानने के हिसाब से क्या है, किसी भी कहीं पे भी आप पढ़ाई करते हो एंड अगर आपका एक इंटर्नशिप अच्छे जगह पे होता है एंड आप प्रॉपरली करते हो ना, तो आप जो इस चीज़ का वैल्यू समझ पाओगे। आरआई में क्या होता है, क्योंकि आरआई एक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है तो उसको पूरा देश भर में सबको पता है कि यहाँ पे इस तरह से टीचर्स होते हैं, बेस्ट टीचर्स निकलते हैं जो कि इवन केवी जेएनवी के प्रिंसिपल बनते हैं,
तो उनको पता है तो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है, जो कि दूसरे बीएड कॉलेज में उतने ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन अगर किसी भी बीएड कॉलेजेस में टीचर जो स्टूडेंट होंगे जो कि इंटर्नशिप करने जाएंगे उनको उस हिसाब से रेस्पेक्ट मिलेगा ना, तो वो टीचर फील कर पाएंगे कि कितना मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। ठीक है, तो आर्य के केस में क्या होता है, आप जेएनवी में आपको भेजा जाएगा। ठीक है, और जेएनवी क्या पूरा एक रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाओगे। तो वहां पे आपको बच्चे ना एक भगवान की तरह से मानते हैं। लाइक कैसे कि जो टीचर्स वहां पे पहले से पढ़ा रहे थे, वो जेएनवी का लाइफ ही ऐसा होता है जैसे मैंने थोड़ा सा मतलब ये किया है, थोड़ा सा टीचर्स के लिए थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होता है, बहुत सारे टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल व्यू बोल रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स एंजॉय भी करते हैं जेएनवी की लाइफ। मेरे बहुत सारे दोस्त ना जेएनवी में जॉब करने के लिए बहुत तरसते हैं, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो लगा, मैं मतलब जैसे मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो जेएनवी के मतलब टीचर्स कुछ कुछ चीज़ों की वजह से क्या होता है कि उतना और उनके अंदर एनर्जी नहीं रहता जो एक यंग एंड डायनेमिक टीचर के अंदर रहता है। तो आप जैसे आरआई से जाते हो, जस्ट आप फ्रेशर हो पूरा, ठीक है, आपने कोई टीचिंग एक्सपीरियंस ज्वाइन नहीं किया एंड आपको मार्क्स मिल रहे हैं उसके लिए, तो आप अपना जी जान लगा के अच्छे से मेहनत करोगे। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और जब आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है आपका पढ़ाने का तरीका, या फिर किसी भी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, तो उस जिंदगी जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना अगर जिंदगी का बात करूं, मैं यूट्यूब पे आने का या फिर इस तरह का प्रोग्राम करने का पीछे भी यही रीजन है। ठीक है, तो जैसे कोविड के टाइम में कुछ नहीं कर रहे थे, स्टार्ट कर दिया, चलो चार पाँच छः बच्चे पढ़ रहे हैं, जेएनवी से कुछ कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उस टाइम में, तो मैंने सोचा कि चलो मतलब इसको और आगे बढ़ाते हैं ताकि मतलब कुछ और बच्चों के पास पहुँच पाए। तो फिर आर्य के बारे में वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, फिर आप लोगों ने उसको रेस्पेक्ट दिया, तो फिर उस वहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो जब तक आपको किसी चीज में रेस्पेक्ट नहीं मिलता ना, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो ये जो आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है एंड आपका उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, इससे भी आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है उस चीज में। ठीक है, एंड डे वन से जिस दिन आप ज्वाइन करते हो उसी दिन से ही आप जो है आप मतलब ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन से आपको बोला जाता है स्टूडेंट टीचर, उसी दिन से आप एक टीचर बन जाते हो, आपको बोला जाता है स्टूडेंट टीचर। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज है। तो ये भी आप इस तरह का मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशन है ना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास 12 पास आउट हैं जिनको रियल लाइफ सिचुएशन नहीं पता, तो वो बुक्स पढ़ने से पता चलेगा, लेकिन क्लासेस के अंदर वो ज़्यादा मतलब बेहतर वे में मैं बता सकता हूँ, एंड आप उसके अकॉर्डिंग जो है फिर सोच सकते हो कि आप उस केस में होते, आप मेरे जगह पे होते तो आप क्या करते हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड खुद से भी पढ़ रहे हो ना सेल्फ स्टडी, तो थोड़ा सोचो कि आप अगर एक टीचर होते तो उस केस में आप क्या करते। ठीक है, क्वेश्चन में दिखाता हूँ अभी। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, एटीट्यूड वाला जो चैप्टर है वहाँ पे एजुकेशन चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन के बारे में था, तो ये पहला टॉपिक के बारे में मैंने एक ब्रीफ आइडिया बता दिया। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, जस्ट एक मिनट रुको, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। तब तक आप लोग अपना डाउट पूछो अगर कोई डाउट है। ठीक है, आपको यहाँ तक अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एंड मैं एक बार देख लेता हूँ आपका अभी तक क्या क्या कमेंट्स हैं। ठीक है, आप म्यूट मतलब माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। ठीक है, चयन कुमार का लास्ट ईयर बीएबीएड था, मैं वेटिंग लिस्ट में था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मुझे फॉर्म फिलअप करना चाहिए। फॉर्म फिलअप करो यार, फॉर्म फिलअप, अगर आपके पास अटेम्प्ट लिमिट है ना, फॉर्म फिलअप करो। ठीक है, हाँ, फॉर्म फिलअप डेफिनेटली आपको करना है। ठीक है, देखो कौन कौन सा सिस्टम दिया था, मैं एक बार एक ये बना दूंगा, 10+2 सिस्टम, क्वार्टरली कमीशन जो भी है। झारखंड में आई थिंक जो जो प्रोग्राम था वो 2 ईयर बीएड का था। ठीक है, मुझे जितना अभी तक पता है, ठीक है, वो 2 ईयर बीएड का प्रोग्राम था, क्योंकि मैंने देखा नहीं उसको अच्छी तरह से। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड का अगर झारखंड में स्टार्ट होता है तो
मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप झारखंड से हो ठीक है, आप भी देखते रहना मुझे बताना ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ की वजह से नहीं देख पाया ना तो आप देखो। मुझे क्या होता है ना, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मुझे अपने स्टूडेंट के थ्रू ही मिलता है ठीक है। हाँ इंटीग्रेटेड के लिए नहीं है। हाँ इंटीग्रेटेड नहीं कर सकता। हाँ तो ये चीज़ है कि मतलब आप अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बाकी में नहीं है। बीएड एमएड के लिए आरआई भोपाल में दे सकते हो, निलंजना यस दे सकते हो। रिया दास पूछ रहे बीएड ग्रेजुएशन के बाद करना बेहतर है कि मास्टर्स के बाद? देखो ग्रेजुएशन के बाद ही कर लो बेहतर है ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद ही कर लो ठीक है। और क्योंकि देखो अगर आपको जॉब चाहिए तो मास्टर्स ना आप डिस्टेंस में भी कर सकते हो ठीक है, मास्टर्स आप डिस्टेंस में भी कर सकते हो। अगर आपको जॉब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है, जब थोड़ा जल्दी आपको जॉब करना है तो उस केस में जो है आप पहले ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर लो फिर मास्टर्स करना ठीक है। इवन आप चाहो तो डिस्टेंस में भी कर सकते हो ठीक है, एंड कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस का भी इम्पोर्टेंस होता है। देखो मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं पहले रेगुलर बीएड कर रहा था ठीक है, सॉरी रेगुलर मैं पीजी कर रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो मैं जब मेरा आरआई में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने सारे एंट्रेंस दिए थे, जेएनयू बीएचयू ठीक है, डीयू उड़ीसा के अंदर भी दिए थे, तो मेरा सर हर जगह पे अच्छा जो रिजल्ट आया था। लेकिन क्या होता है ना, मुझे पता नहीं थोड़ा ऐसा लगा कि मैंने ज्योग्राफी मेरा टॉपिक था उस टाइम में, सब्जेक्ट था, मुझे लगा कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत पढ़ चुका हूँ, मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई करना चाहिए। और फिर मैंने वहाँ से ड्रॉप ले लिया, ऑल्दो आई वाज द टॉपर उस एंट्रेंस में, मैं टॉपर था, फिर भी मैंने ड्रॉप ले लिया ठीक है। और मैंने प्रिपरेशन किया सिविल सर्विस के लिए, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस का भी एग्जाम दिया था, फिर उसके उस टाइम लॉकडाउन हो गया, फिर मैं सोचा कि चलो जो मैं पहले सोच रहा था कोई और कोर्स के लिए करना चाहिए, तो मैंने फिर इग्नो से एम ई इन एजुकेशन में एडमिशन किया ठीक है। फिर देखो खाली ऐसा नहीं कि मतलब आप जो मतलब इस तरह से डिस्टेंस में करें तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने डिस्टेंस में एम ए इन एजुकेशन में एम ए करके भी मेरा नेट जे आर एफ दोनों को जो है क्वालिफाई हुआ। तो आप मेहनत करोगे तो आपका सारा चीज़ हो सकता है ठीक है, और उसको इम्पोर्टेंस भी मिलता है। नंदिनी दास एस सी कैटेगरी का फॉर्म फिलअप हाफ है, आई थिंक 1200 से आपका 600 हो जाएगा, हाफ लगेगा, वहाँ बता देगा ठीक है। फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको बता देगा कि कितना जो है आपको पैसा लगता है ठीक है। ओके बी एस सी बेड नहीं नहीं, आरआई में डिस्टेंस नहीं, आरआई में 75% अटेंडेंस लगता है ठीक है, आरआई में 75% अटेंडेंस लगता है, और जो है मतलब नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा आपका ठीक है, दिक्कत हो जाता है। मेरा आई थिंक लास्ट ईयर में 75% अटेंडेंस नहीं था, तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ा था मुझे ठीक है, तो वही बात है कुछ कम हो गए थे तो मेडिकल जो है सर्टिफिकेट। हाँ सिलेबस आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है, ये सब चीज़ बाद में भी डिस्कस करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यू कर दो, हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ते हैं ठीक है। पहले थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देंगे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है। तो थोड़ा सा देखो क्वेश्चन कैसे आता है, पहले क्वेश्चन भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। लेवल वन का एक क्वेश्चन देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है ठीक है, 2022 का कुछ क्वेश्चन देखो क्या है, जस्ट मिनट क्या दिक्कत है। अच्छा छोड़ो ये मैं दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है, कुछ इशू हो गया थोड़ा सा, बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन हो गए जिस चीज की वजह से कि शायद अभी ये हो गया ठीक है। देखो हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, पता नहीं इसको क्या हुआ। चलो हम लोग आगे डिस्कशन करते जब तक ये आ जाए कनेक्ट हो जाए, एक मिनट। देखो टीचिंग इंटरेस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है, टीचिंग इंटरेस्ट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप जो है सेल्फ स्टडी उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सको ठीक है।
तो सेकंड जो टॉपिक है वो टीचिंग इंटरेस्ट है, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो है वो टीचिंग इंटरेस्ट है। एक मिनट, तो टीचिंग इंटरेस्ट को आप कैसे पढ़ोगे? डरो मत, डरो मत, आप मेहनत करते जाओ, ठीक है। जैसे मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ उस तरह से प्रिपरेशन करते जाओ, डरने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डरने का कोई जरूरत नहीं है, आप मेहनत करते जाओ, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और देखो, हमारे पास ऑलवेज सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए, एंड हमारे पास CVT का ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टेट बीएड भी आ चुका है। देखो मैं एक चीज आप यहाँ पे बता देता हूँ, उड़ीसा का स्टेट बीएड आ चुका है, जो उड़ीसा के एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, वो उड़ीसा स्टेट बीएड 2 ईयर BEd अप्लाई कर दें। उड़ीसा में भी ITP प्रोग्राम होगा, ठीक है, थोड़ा सा लेट होगा। देखो ITP प्रोग्राम जो है वो थोड़ा लेट होगा, ठीक है। ITP का फॉर्म फिलअप देखो, मतलब अभी तक जो है कोई ऐसा प्रॉपर नोटिस आया नहीं कि कब स्टार्ट होगा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, फर्स्ट एक मई से होगा वो, आप दूसरा आई थिंक कोई नोटिस देखे हो। ऐसा एक बार मुझे नोटिस सेंड कर देना तो व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं देख लूंगा। आई थिंक आप जो नोटिस देखे हो वो जो है कॉलेज का नोटिस है, मतलब इंस्टीट्यूट को ITP के अंदर रजिस्टर करने का नोटिस है 2024-25 के लिए, ठीक है। 24-25 के लिए आप एक इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करने के लिए वो नोटिस है। मुझे जितना आप में से किसी ने मुझे भेजा था, तो वो जो नोटिस है वो मतलब आपका था इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन वाला था, बाकी देखेंगे, ठीक है। एक बार मुझे भेजना। यस बोलो। CPET का भी फॉर्म आ चुका है, ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, मैं भेज नहीं पाया आपको। CPET का जो है आई थिंक 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, एंड इसका 4th और 5th मई में BEd वाला एंड आपका CPET दोनों जो है स्टार्ट हो रहा है। हाँ, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है। उसका एग्जाम डेट भी उस नोटिस में है, ठीक है, मैं जो है एक बार देख लेता हूँ। हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, हम लोग आगे जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। ये देखो तुम्हारा लेवल 1 का कुछ क्वेश्चन है, पहले वो डिस्कशन करेंगे, फिर लेवल 2 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। देखो क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन ये था कि द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, तुम्हारा 2022 में आया था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। फिजिकल फैसिलिटी क्लासरूम में कैसा होता है, ठीक है, तुम्हारा ऑल ऑफ दिस होगा यहाँ पे, ये 5+3+3+4 सिस्टम होगा, ठीक है, ये तुम्हारा ऑल ऑफ दिस होगा फिजिकल फैसिलिटी। तो ये वाला क्वेश्चन था मैंने आपको दिया था। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी जो हमने कुछ डिस्कशन किया, ठीक है, उसमें किस तरह का क्वेश्चन जो है आ सकता है। देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, इन द क्लास स्टूडेंट शुड डैश, ये तुम्हारा एटीट्यूड है, यहां से तुम्हारा जो है एटीट्यूड जो है वो जान पाएंगे, ठीक है, यहां से तुम्हारा एटीट्यूड जान पाएंगे, यहां आप क्या आंसर करोगे। ये एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रन के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहां आप क्या आंसर करते। 3 यस, यहां पे ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपके चिल्ड्रन के प्रति क्या एटीट्यूड रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो फिर जो है आप अच्छे से कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय, समझ जाओगे आप। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताओ तो क्या होगा। 3 क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, देखो कितना रिलेटेड क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा भी अगर प्रॉपर मतलब ध्यान दोगे ना तो दोनों कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन में आपने क्या चूज किया कि हाँ, यहाँ पे आपने चूज किया कि टू बी मोटिवेटेड टू आस्क क्वेश्चन, उनको मोटिवेट करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए, एंड ये वाला क्वेश्चन दिया है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली क्या है क्वेश्चन के ऊपर है, तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ट टाइम टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, कब आप जो है स्टूडेंट्स को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो, व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज बिगन, व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज एंडेड एट द मेजर यूनिट। हाँ सर, एक
क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वालिटी ऑफ टीचिंग ना यहाँ पे आपका बच्चे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि डिस्कशन मेथड हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम में। ऑब्वियसली यहाँ पे कंफ्यूजन आपका होगा कि पास परसेंटेज क्यों नहीं होना चाहिए, बट द थिंग इज दैट जितना अच्छा सवाल बच्चे पूछेंगे ना आपका क्वालिटी उतना अच्छा है, ठीक है, बिकॉज पास परसेंटेज मे नॉट बी हाँ पास परसेंटेज खराब होगा तो हम तो बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हाँ टीचर का अचीवमेंट के बारे में पता चलेगा। जितना ज्यादा बच्चे पास होंगे ना वहाँ पे आप उसमें से आप जान सकते हो कि टीचर का अचीवमेंट है कि सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स इज द टीचर अचीवमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्वालिटी ऑफ टीचिंग मतलब आप किसी क्लास में टीचर कितना अच्छे से पढ़ा रहा है ये किससे जान सकते हो, क्वालिटी कहाँ अच्छा है, तो वो तुम्हारा होता है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क बाय द स्टूडेंट्स। मैडम गीता रानी वाला जो मूवी है, ठीक है, हाँ ये स्क्रैम करके भी पास हो सकते हैं या फिर कुछ और रेफरेंस भी पास हो सकते हैं, ट्यूशन से पास हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचिंग मतलब आप कितना अच्छे से पढ़ा रहे हो वो कहाँ से पता चलेगा, तो वो पता चलेगा तुम्हारा किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, ठीक है। मैडम गीता रानी वाला जो मूवी है, ठीक है, वहाँ पे आप वहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्कूल जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका था उस स्कूल में कैसे इफेक्टिव एक प्रिंसिपल एक इफेक्टिव टीचर के आने के वजह से कितना चेंजेस वहाँ पे होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है बच्चों के अंदर जो बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जब होगा तो क्वेश्चंस डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारा इफेक्टिव होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, देखो ग्रुप ए वाला एक क्वेश्चन था, ये बेस्ट टाइम टू इवैल्यूएट, देखो हमेशा इवैल्यूएट कर सकते हो, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस आप हमेशा बच्चों को इवैल्यूएट कर सकते हो। स्टार्टिंग में उनका प्री कंसीव नोशन कितना नॉलेज उनको पता है, पहले से वो कितना जानते हैं, वो इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले भी इवैल्यूएट कर सकते हो कि कितना जानते हैं, इंस्ट्रक्शन जब खत्म होगा तब भी इवैल्यूएट कर सकते हो बच्चे कितना जाने, ठीक है, और जब मेजर यूनिट खत्म करते करते आप पूछते जाते हो तो वहां पे पता चलेगा कि किस तरह से बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से होता है तुम्हारा। ये देखो ग्रुप ए का क्वेश्चन था, ग्रुप बी का भी अगर आप देखोगे ना तो ग्रुप बी का भी तुम्हारा जो है बिल्कुल ही लेवल सेम होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, ए और बी दोनों का लेवल बिल्कुल सेम होता है क्योंकि दोनों ने ही कभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ था 2022 में थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है देखो ये क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, टीचर कैन टीच स्टूडेंट्स कैन बी टॉट स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि सब हो सकता है, टीचर पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स सीख सकते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे सीखने के लिए, चारों ऑप्शन सही है। ये भी तुम्हारे क्या नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक से आ जाएगा, ठीक है। डिक्टेशन इज यूजफुल फॉर डिक्टेशन कब श्रुतलेख कब उपयोगी है, डिक्टेशन जब आप डिक्टेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि मतलब तुम्हारा ये एटीट्यूड में तो नहीं आता है, ये तुम्हारा क्या हेल्प करता है ऐसे पूछ रहे हैं। तो डिक्टेशन मतलब क्या, आप बच्चों को बोल रहे हो बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। तो श्रुत लेख सुन के लिखना उसमें क्या होगा, डिक्टेट कर रहे हो आप, क्या होगा डिक्टेशन करने से फर्स्ट ही होगा इम्प्रूविंग स्पेलिंग। आप जब डिक्टेट करते हो तो आप स्पेलिंग भी बताते हो वहाँ पे, बच्चे उसको उस हिसाब से लिखेंगे। देखो तो यहाँ पे जो आंसर दिया उसको ऐसा नहीं कि आपको इसको टिक करना है, तो यहाँ पे इम्प्रूविंग स्पेलिंग यहाँ पे होगा कि स्पेलिंग वो ये करेंगे, क्योंकि डिक्टेशन से एक्सप्रेशन पावर नहीं आता है, एक्सप्रेशन पावर आता है जब बच्चे किसी चीज़ को रिसाइड करते हैं रिसाइटेशन से, ठीक है, या फिर तुम्हारा एक होता है क्या बोलते हैं उसको जो डिबेट वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा स्पेलिंग इम्प्रूव होगा, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ डिक्टेशन से हैंडराइटिंग हो सकता है लेकिन मेन चीज तुम्हारा स्पेलिंग इंप्रूव होता है, जैसे टीचर डिक्टेट करते हैं ना तो उस टाइम स्पेलिंग को भी बोलते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन में भी हो सकता है। हाँ देखो एक क्वेश्चन था प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड अमंग स्टूडेंट्स बाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आप कैसे बच्चों के अंदर ला सकते हो बताओ, ये ग्रुप बी वाला क्वेश्चन है लेकिन सेम है आपके लिए, ज्यादा हाई लेवल का नहीं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे ला सकते हो? सॉल्विंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनकरेजिंग रोड मेमोराइजेशन, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन, राइटिंग स्टेप बाय स्टेप स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल क्वेश्चन। ऑप्शन थ्री। देखो सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने से तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा, आपको डाइवर्स सोचना पड़ेगा, ठीक है। रोड मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं करना है, एंड स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को लिखने से भी नहीं होगा। एबिलिटी तब डेवलप होगा जब बच्चा मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन या क्रिएटिव या क्यूरियस लर्नर जिसको बोलते हैं। ये जो कीवर्ड्स मैंने आपको बेसिक क्लासेस में पढ़ाया था वो आ जाएगा। यस, ओपन एंडेड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यस। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन। तो ये भी क्या है, एक तरह से एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रन ही है, मतलब आप बच्चों को कैसे देख रहे हो, ठीक है, कैसा उनका लर्निंग के प्रति कैसा सोच रहे हो। क्वेश्चन इस तरह से तुम्हारा आता है, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन रेफर्स टू। ये रिसेंट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 से ये क्वेश्चन आया था। एनईपी 2020 ही मल्टीडिसिप्लिनरी बोलता है। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन का मतलब क्या होता है? टीचिंग वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स, ब्रेकिंग बाउंड्रीज बिटवीन द सब्जेक्ट व्हाइल टीचिंग, अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग डिफरेंट सब्जेक्ट। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन, अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग, हाँ आप जो है जितना सब्जेक्ट चाहो चूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। आप यहाँ पे यस आई एम नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली, एक और बार बोलो, थोड़ा माइक पास लाके बोलो। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे ना, लाइव क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। आई विल मेक ए वीडियो ऑल्सो, ठीक है, ओके। देखो तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है, लास्ट ईयर में ग्रुप बी में ना थोड़ा ज्यादा इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तुम्हारा सी मतलब सॉरी टॉपिक सिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप बी वालों के लिए लास्ट ईयर। तो इस साल भी इस तरह से मतलब कुछ नहीं बता सकते क्या होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो हम ऑल एस्पेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देंगे, जीके क्वेश्चन। हाँ, यूज ऑफ टीचिंग एड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये सब भी तुम्हारा आगे जाके जो है यूजफुल होगा, ठीक है, आगे जाके हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो देखो यहाँ तक मैं डिस्कशन जो कर रहा था वो था तुम्हारा कैसे जो है हमारा एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन कैसा होता है, ठीक है, वो कैसे तुम्हारा जो है कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है तुम्हारा टीचिंग, यस बोलो। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यहाँ पे मैंने बताया था, एक मिनट। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन का मतलब होता है मल्टीपल डिसिप्लिन। यहाँ पे ये किसके लिए है? बच्चों के लिए है, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स, जो कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट चाहे चूज कर सकते हैं, अलाइन फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, जिससे कि ब्रेकिंग बाउंड्री बिटवीन द सब्जेक्ट वाइल टीचिंग हो सकता है, ठीक है, क्लियर। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में तुम्हारा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, जिससे टीचर जो है बाउंड्री ब्रेकिंग द बाउंड्री, कोई लिमिट नहीं होता, हार्ड सेपरेशन नहीं होगा, टीचर जो चाहे पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मल्टीपल डिसिप्लिन मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स को जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। हाँ तो देखो एनईपी 2020 का पहला क्लास याद करो जो कि अटेंड किए थे, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल डिसिप्लिन को मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मतलब कोई चाहे साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में से कोई कोई एक एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो एनईपी वाला क्लासेस देख लेना, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, ओके। यस लैंग्वेज कोठारी कमीशन है ना, ठीक है,
एक देखो कमीशन वाला थोड़ा सा देखो मत घबराओ, टॉपिक सिक्स तक हम लोग गए नहीं है अभी। मैंने कुछ कुछ वीडियो टॉपिक सिक्स से डेफिनेटली दिया हुआ है, अगर नहीं मिला है तो मैं ग्रुप में फिर से सेंड कर दूंगा टॉपिक सिक्स का जो वीडियोज है, ठीक है, वो वीडियोज को देखना। एंड उसके अलावा हम लोग जो है एक प्रॉपर जो है एक शॉर्ट नोट्स का मैं बना दूंगा, ठीक है, वन लाइनर नोट्स कर देंगे जिसमें जो है कौन सा कमीशन किसने दिया था, कौन किसने क्या बोला था, वो सब चीज़ रहेगा। एंड उसमें से कमीशन वाला चीज़ तो अभी मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी काम किया था कुछ दिन पहले, तो बाकी जो है एक ऑनलाइनर हम बना देंगे, ठीक है। एंड बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एक टेस्ट भी उसके ऊपर हो, तो हम टेस्ट भी उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वन जो है ऐसे ही है, ठीक है, जो बीएड के स्टूडेंट्स अटेंड नहीं किए थे लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि एटीट्यूड क्या होता है, वो वीडियो देखना, ठीक है, वो वीडियो को देख लेना, पूरा क्लियर है, ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है, आपका एटीट्यूड ओपिनियन से कैसे डिफर करता है, स्टूडेंट्स के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, एंड तुम्हारा सब्जेक्ट के प्रति प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, वो डिस्कस किए थे। कोलीग प्रिंसिपल ये सब हम लोग आगे फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बाकी जो चैप्टर्स है उनको कैसे अप्रोच करना है। सेकेंड जो तुम्हारा चैप्टर है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो है वो तुम्हारा क्या है, सेकेंड चैप्टर वो तुम्हारा है टीचिंग इंटरेस्ट है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो है वो तुम्हारा टीचिंग इंटरेस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड चैप्टर जो है तुम्हारा टीचिंग इंटरेस्ट है। एक मिनट, और टीचिंग इंटरेस्ट के अंदर क्या होगा, देखो जैसे मैंने बोला कि पहला टॉपिक आपका है कि आपके अंदर पढ़ाने के प्रति या बच्चों के प्रति या एजुकेशन सिस्टम के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, ये तुम्हारा टेस्ट किया जाता है। सेकंड, आप पढ़ाने के लिए कितना इंटरेस्टेड हो वो भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस ऑफ एक्टिविटी, प्रेफरेंस ऑफ वन एक्टिविटी ओवर अदर। देखो मैं सारा चीज ना इसी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एंड इसी बुक को ही आपको कंप्लीटली देखना है, जो भी चीज है पूरा एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्लास भी देखो एंड बुक्स को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या है, प्रेफरेंस ऑफ, टॉपिक सिक्स पहले इसी बुक में पढ़ो, बाकी जो मैं एनईपी का क्लासेस फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया, एनसीएफ का कुछ कुछ क्लासेस कर लूंगा जहां से कमीशंस वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी बाकी कुछ पीडीएफ मैं बना दूंगा, कुछ नोट्स बना दूंगा जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चन करते रहो, और इसके लिए कोई ऐसा सेपरेट बुक तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल नॉलेज क्या होता है, मेनली अभी जनरल नॉलेज नहीं पूछता ज़्यादा, करंट अफेयर्स पूछता है, तो करंट अपडेट्स जो भी आते हैं वो हम ये करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो सेकंड चैप्टर में आपको समझना पड़ेगा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, सेकंड जो चैप्टर है आरआईसी के सिलेबस में इंटरेस्ट क्या है वो समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या था, प्रेफरेंस ऑफ वन एक्टिविटी ओवर अदर, कि मुझे टीचिंग ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू क्रिकेट, ठीक है, हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड बुक का नहीं, हाँ देखो टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं समझ पाया क्या बोल रहे हो तुम, एक मिनट, निशा भारती टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक नहीं है, अरे बुक का लिंक आपको तो बुक नहीं मिला है क्या, बुक का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो YouTube का वीडियोस में बनाता हूँ, ठीक है, जो भी मतलब हमारे क्लास के स्टूडेंट नहीं है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में बुक का लिंक होगा, ठीक है, Amazon का लिंक, आप Amazon से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो, चाहो तो हमसे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो जिन्होंने नहीं लिया है। एंड बाकी जो हमारे क्लासेस एंड में एनरोल्ड है उनमें से सारे बच्चों के पास होगा, एक दो बच्चे शायद मतलब सिर्फ क्लासेस ज्वाइन किए हैं तो बुक्स नहीं लिए, तो जो नहीं लिया है बुक्स डेफिनेटली परचेज करो, क्योंकि मैं पूरा क्लासेस देखो, बाकी टीचर्स पीडीएफ जो क्लास नोट्स होता है उससे पढ़ाते हैं प्लस बुक्स को रेफर करते हैं, मैं कम्प्लीटली बुक्स के ऊपर पढ़ाता हूँ, ठीक है, कम्प्लीटली जो मैंने बुक दिया है उसी के ऊपर मैं कम्प्लीट सारा क्लासेस होता है। हाँ क्वेश्चंस कुछ जो आपका रहता है प्रैक्टिस क्वेश्चन वो अलग से है, लेकिन बाकी सारा कंसेप्चुअल क्लासेस बुक से होता है। तो ये वाला जो बुक है जिन्होंने नहीं लिया है बुक्स ले सकते हो, ठीक है, अमेजोन का लिंक होगा वहाँ से ले सकते हो। शिवानी सिंह बुक अभी तक नहीं आई है, आपका मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना डेट ऑफ परचेज क्या, मैं एक बार आपका ट्रैकिंग स्टेटस देख लूंगा कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। यस यस बोल, व्हाट्सएप ग्रुप मुझे मैसेज करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7327813135, इस नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, ठीक है, 7327813135, इसको मैसेज करना, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, ठीक है। देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो मैं पढ़ा रहा था, आपको पहले इंटरेस्ट क्या है वो समझना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट को पहले समझो,
इंटरेस्ट मतलब पढ़ाने के लिए आप कितना इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आप वंस आप इंटरेस्ट को समझ जाते हो, इंटरेस्ट है क्या, लाइक इंटरेस्ट क्या होता है कि मुझे ज्यादा टीचिंग ज्यादा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रेफरेंस में आ जाएगा टीचिंग, मेरा प्रेफरेंस नंबर वन में टीचिंग आ जाता है, एंड प्रेफरेंस नंबर लास्ट में फॉर एग्जाम्पल आता है साइकिलिंग, ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे फॉर एग्जाम्पल 7 में मेरा अच्छा लगता है मुझे 7 हॉबी, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया, और मेरा फर्स्ट में टीचिंग है और 7 में मेरा क्या है प्रेफरेंस में साइकिलिंग है, तो किसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ऑब्वियसली जिसमें मेरा प्रेफरेंस ज्यादा है ऊपर है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जब आप इंटरेस्ट को समझ जाते हो, ठीक है, इंटरेस्ट में देखो क्या होता है ना, इट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी विद जिल, कितना इंटरेस्ट से मतलब कितना जिल के साथ आप एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो आपको आपका बताता है आपका इंटरेस्ट। मैं जितना ज्यादा जिल के साथ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ उस वो बताएगा मेरा उसमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे ही मुझे इंटरेस्ट पता चल जाएगा अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं देखूंगा टीचिंग इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, ठीक है, टीचिंग इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि यही टेस्ट करेंगे वो आपका, ठीक है। बुक में सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना है, फिर नीचे क्या है आपका यहाँ पे दिया टीचिंग इंटरेस्ट पढ़ना है, ठीक है, टीचिंग इंटरेस्ट क्या है, तो टेस्ट तो यही होगा आरआई के एग्जाम में या केवीएस या किसी भी एग्जाम में, सीयूईटी हो, आरआई हो, स्टेट बीएड हो, वहां पे पूछेगा टीचिंग इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन अभी कुछ देर बाद, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो टीचिंग इंटरेस्ट क्या होता है, देखो जैसे किसी और प्रोफेशन में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो उसी तरह से जैसे किसी और प्रोफेशन में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, सिमिलरली अगर आप टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आपका टीचिंग भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से तो इफ ए पर्सन हैज इंटरेस्ट इन टीचिंग प्रोफेशन ही विल परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली, एंड अगर किसी टीचर का, ठीक है, अगर किसी टीचर का पढ़ाने में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, तो वहां पे जो बच्चे होंगे वो सक्सेस होंगे, ठीक है, उनका जो मतलब वो सक्सेसफुल होंगे, स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे अगर टीचर का प्रॉपर इंटरेस्ट है। अगर टीचर का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में तो स्टूडेंट्स का जो है बहुत ज्यादा लॉस होगा, एंड बिकॉज इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट अगर नहीं है तो आप वहां पे नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको जो है एग्जाम के थ्रू निकाल दिया जाएगा अगर आपका टीचिंग इंटरेस्ट नहीं है। पहले रिटन एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा टीचिंग इंटरेस्ट के रिलेटेड, अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो आपको इन एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अगर इन एग्जाम में सिलेक्शन हो भी जाता है, ठीक है, और जो है आप जाके नेक्स्ट इंटरव्यूज में जाते हो, ठीक है, इंटरव्यू में बैठते हो, तो वहां पे अगर आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा, आपका वहां पे नहीं लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो जो भी जॉब का एंट्रेंस होता है, केवीएस का फॉर एग्जांपल एंट्रेंस है, एनवीएस का एंट्रेंस है, या कहीं भी कोई भी टीचिंग जॉब का एंट्रेंस है, इवन जो वॉक इन इंटरव्यू वगैरह होता है या फिर कैंपस सिलेक्शन जो होता है जहां पे आप जॉब के लिए आपके पास आते हैं या आप जाते हो वॉक इन इंटरव्यू में, वहां से जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने डिस्टेंस बीएड किया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने डिस्टेंस बीएड किया हुआ है, इनको नहीं लिया जाता अब, और आरआईएनस या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएड किया जो रेगुलर उनको लिया जाता है, क्यों, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, उन्होंने इस फील्ड में ज्यादा काम नहीं किया, इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, मल्टीकल्चरल इंटर्नशिप नहीं किए हैं, तो इंटरेस्ट के रिलेटेड जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे रिटर्न में हो या इंटरव्यू में, उतने अच्छे से जवाब नहीं दे पाते, इसीलिए किसी भी टीचिंग जॉब में टीचिंग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपसे बहुत अलग अलग तरीका का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो वो चेक करने के लिए, ठीक है, तो टीचिंग इंटरेस्ट इस तरह इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखो इसमें ना मतलब कोई बुक आपको हेल्प नहीं करेगा, जिस तरह से चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, जिस तरह से आपको चैलेंजेस आते हैं, कोई बुक आपको हेल्प नहीं करेगा उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप कैसे उन सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हो, तो उस केस में आपका खुद का रिसर्च एक्सपीरियंस आइडियोलॉजी वो हेल्प करेगा उन सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। किसी को नहीं पता कि कैसा सर्कमस्टेंसेस कैसा चीज आपके सामने आ सकता है, ठीक है, जब आपके सामने सिचुएशन आएगा, ठीक है, तभी आपका जो है रियल टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रियल टीचिंग इंटरेस्ट टेस्ट में आता है, ठीक है। तो सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, वहां पे अगर आप सही आंसर देते हो इसका मतलब आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, गलत आंसर देते हो तो आपका टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो
टीचिंग इंटरेस्ट का जो फील्ड है ना वो लिमिटलेस है, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बेसिस पे देखे जाए, मतलब हम देखेंगे तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो टीचिंग इंटरेस्ट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के अंदर एक चाइल्ड लाइक टेंडेंसीज होता है, चाइल्ड लाइक टेंडेंसीज, ठीक है। तो उन चाइल्ड लाइक टेंडेंसी के साथ आप कैसे डील करोगे, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, ठीक है, अगर आप पैसेंस खो बैठते हो तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग प्रॉपरली। अगर आप जो है टीचिंग में इंटरेस्टेड हो तो कैसे भी सिचुएशन आए आप जो है अपना पैसेंस को नहीं हराओगे, ठीक है। उसके अलावा जो है टीचर स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है हमेशा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड अगर आपको फादर ऑप्शन रहे तो वहाँ पे फादर हम चूज करते हैं। क्यों फादर चूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, फ्रेंडली अप टू अ सर्टेन लिमिट है, नॉट फ्रेंड, नॉट फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड दिया है, ठीक है, और फादर दिया है, उस केस में हम लोग फादर चूज करते हैं, क्योंकि फादर जो होते हैं ना वो फ्रेंडली अप टू अ सर्टेन लिमिट होते हैं। फादर जो होते हैं ना वो फ्रेंडली रहते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट, फ्रेंडली तो रहते हैं लेकिन एक लिमिट तक रहते हैं, वहाँ पे एक लिमिट होता है, उसके बाद जो है सब कुछ अलाउड नहीं है। तो ये जो चीज है वो फादर करते हैं। इसीलिए जो टीचर के केस में अगर फ्रेंडली, फ्रेंड और फादर दोनों ऑप्शन दिया है तो हम लोग फादर को चूज करते हैं। अगर फादर ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग फ्रेंड को चूज करते हैं। टीचर बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रहेंगे। यस, लीडर, लीडर नहीं है, लीडर देखो क्या था ना, आगे पहले जो था लीडर था, ठीक है, पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में लीडर वाला ऑप्शन था, अभी जो है लीडर वाला ऑप्शन को नहीं चूज करते। हाँ, टीचर हर एक क्लासरूम में बच्चों के लीडर होते हैं अपने क्लासरूम के अंदर, लेकिन बेस्ट रिलेशनशिप पूछेगा तो वो फादर लाइक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, क्लियर। लीडर जो रूल था, पहले रोल जो लीडरशिप का था पहले ज्यादातर था ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। यस बोलो। देखो मदर ऑप्शन नहीं होता है, थोड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, ठीक है, मदर ऑप्शन में नहीं होता है, फादर होता है। फादर मदर अगर दोनों दिया हुआ है तो मतलब ऑब्वियसली क्या, देखो फादर ऑफ इन्वेंशन लिखा होता है, मदर ऑफ इन्वेंशन नहीं होता, तो वही बात है, थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, फादर ऑप्शन में दिया होता है। हाँ, लेकिन मान के चलो मदर दिया हुआ है तो चूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं देगा ऑप्शन में, थोड़ा जेंडर बायसनेस है अपने इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में क्या, वर्ल्ड में फादर ही दिया होता है जगह, फादर ऑफ इन्वेंशन, फादर ऑफ डिस्कवरी। हाँ, यस यस, हाँ वो भी बोल सकते हो, फादर थोड़ा सा एक लिमिट के अंदर रहते हैं फ्रेंडली रिलेशनशिप में, तो इसीलिए फादर बोल सकते हो। तो देखो सब कुछ अलाउ नहीं करना, फ्रेंड का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा इनफॉर्मल रह जाओ, ठीक है, पूरा इनफॉर्मल रहो ऐसा नहीं है, इनफॉर्मल रहो लेकिन एक लिमिट तक रहो, जो फादर करते हैं, जहाँ पे बच्चों को रोकना है इससे ज्यादा नहीं, मतलब बोलेगा चलो पापा हम आज पबजी खेलते हैं रात भर दिन भर, ठीक है, तो वहाँ पे आप बोलोगे एक दो घंटा अगर आप अलाउ करते तो फिर उसको मना करोगे कि हाँ इसके बाद नहीं, ठीक है, फ्रेंडली पूरा दोस्त नहीं बन जाना है वहाँ पे, तो ये काम फादर का होता है, ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए फादर तुम्हारा आंसर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टीचिंग इंटरेस्ट में आपका कैसे, आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हो, कैसे डिक्टेशन करते हो, फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन था, कैसे आप डिफरेंट चार्ट पेपर टीचिंग एड का यूज करते हो, वो भी टीचिंग इंटरेस्ट में आता है, ठीक है, कैसे आप प्लांट वे में टीचिंग करते हो, कैसे आप 5E मॉडल का यूज करते हो टीचिंग में, ठीक है, कैसे आप स्टडी मटेरियल का इफेक्टिव यूज करते हो, कैसे डिफरेंट प्रिंसिपल्स का आप यूज करते हो पढ़ाते टाइम, कैसे डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हो पढ़ाते टाइम, ठीक है, कैसे डिफरेंट स्ट्रैटेजी का यूज करते हो पढ़ाते टाइम, ये सब टीचिंग इंटरेस्ट में आता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, टीचिंग जो है तुम्हारा स्ट्रैटेजी वगैरह आगे फिर से हम लोग देखेंगे थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, उनका यूज कैसे करना है, बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हो कि सर बहुत डर लग रहा है, सर हम क्या करें, तो मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलता हूँ, डरने से नहीं होगा, आप मेहनत करो। देखो मैं एक चीज़ आपको आज भी मतलब नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, मोटिवेशन है लेकिन सच है, आपके पास क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो गिव अप या फिर ट्राई, ठीक है। अगर आप गिव अप कर जाते हो तो आप जो है कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ट्राई करते हो तो चांस तो है ना कि आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो जो टाइम आप डर में देते वो टाइम को आप जो है मेहनत में दे दो, ठीक है। जितना टाइम आप डरते क्या होगा क्या होगा, उतना टाइम सोचो मत, मेहनत करो, ठीक है, रिजल्ट मेहनत करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली होगा, ठीक है। लेकिन डर के मारे अगर आप मेहनत ही करना छोड़ दो, सर एक ही सीट है सर, ठीक है, एक बच्चा था लास्ट ईयर में, ठीक है, एक स्टूडेंट था आरआई भोपाल में भी पढ़ रहा है, ठीक है, वो स्टूडेंट मुझे बहुत बार मैसेज किया, कॉल किया, सर एक ही सीट है सर, क्या करें सर, हम छोड़ देंगे सर, हमको ये मतलब बैच से निकाल दो, इस तरह से उसने खुद बोला। मैंने उसको समझाया है, एक सीट है ना, एक ही सीट है ना, तुम एक ही हो ना, तुम 10 लोग तो नहीं हो, एक ही तुम हो, तुमको एक ही सीट चाहिए,
10 का क्यों सोच रहे हो? वो बच्चा सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते हो बदमाश टाइप का बच्चा था, ठीक है, बदमाश नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा नर्वस था। बदमाश मैं इसीलिए बोलूँ कि मुझे दिन भर वो सिर्फ एक ही बोला, सर मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं इसलिए उसको मैंने एक बार गाली भी दिया था कि देखो तुम ये जो चीज़ कर रहे हो ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट करो, पढ़ाई तुम करो डेफिनेटली होगा। फिर कुछ दिन बाद जो है वो खुद एक्चुअली बोला, सर मैं क्लास का सबसे नॉटी बच्चा था, ठीक है, उसका मैसेज है, कन्वर्सेशन है, जब वो वहाँ पे टॉपर हुआ, ठीक है, तो उसका कन्वर्सेशन मेरे पास है, बात किया था उसके साथ, मैं कभी इंटरव्यू भी किया था लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि वो बच्चा कौन है। आई थिंक मैंने वीडियो अपलोड किया था उसका, ठीक है, तो वही बात है। लेकिन वो अपना जो है स्टेट का टॉपर बना अपने उस कैटेगरी में, एक ही सीट था ना, तो टॉपर ही होगा आ रहे में, इसलिए सब टॉपर। क्यों? क्योंकि एक स्टेट से अगर एक ही सीट है तो आप टॉपर हो गए, ठीक है। तो एक सीट के लिए वो लड़ाई उसका था एंड मैंने उसको मोटिवेट किया। वो बहुत दिन तक नहीं माना कि सर मेरे से नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एट लास्ट जो है वो मेरा बात माना एंड वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। सीट एक चाहिए आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको एक सीट चाहिए, ठीक है, एक ही सीट आपको चाहिए, उस एक सीट के लिए सोचो। आपको 10, 15, 100 सीट नहीं चाहिए, जस्ट नीड वन सीट एंड यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट वन सीट ओनली। यही चीज मैंने उसको समझाया, बहुत टाइम लगा, बहुत सारे क्लासेस में उसको उसको पॉइंट आउट करके मैंने बताया, फिर वो पढ़ाई करना चालू किया और वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। मैं कभी बात करवाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं हो पाता कि मैं इंटरव्यू वगैरह करूँ अपने जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, करता तो बहुत अच्छा होता है, बहुत रिस्पॉन्स और ज़्यादा मिलता, लेकिन वही बात है कि जितने स्टूडेंट्स हैं मैं खुश हूँ उतने में। लेकिन इस साल करूंगा, ठीक है, मतलब इस साल डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के सारे बच्चों से, आप जितने भी सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, मैं तो चाहता हूँ सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए एंड सब लोगों के साथ मैं एक बार इंटरव्यू करूँ, ताकि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे से सुन रहे हो आप, जब आप उनसे सुनते तो अच्छा लगता, सिमिलरली आपसे सुनेंगे जो फ्यूचर के बच्चे होंगे तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए मेहनत करना है। डरोगे तो टाइम वेस्ट होगा, डरने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, डरने से टाइम वेस्ट होता है। तो आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास एटलीस्ट बुक है आपके पास, ठीक है,